कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज बताना चाहती हूँ कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है। और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी इस सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहती हूँ, हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज स्पेशल सेशंस नहीं चाहिए। आज 5 दिन के सत्र में 1 दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है। कई सारे लोग होंगे जिन्हें दुख हो रहा होगा, कई सारे लोग हो रहे होंगे जिनको आपत्ति हो रही होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 5 दिन के सदन में हमें 1 दिन का मौका मिला है। आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सदन में जहां जहां ये आवाज जाएगी, मुझे लगता है अध्यक्ष जी वहां पर भी इसको शुरू किया जाएगा। और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक। और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शिलपट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के हमारे पड़ोसी विधायक हैं उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप